हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से आपका कृष्णा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ लेकर आए हैं और उसका ये पार्ट वन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं हम पार्ट वन वीडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कम्पिटिटिव दौर चल रहा है। ज़्यादातर जगह किसी भी पोस्ट के लिए कंपटीशन की तैयारियां बच्चे करते हैं, तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और ये इसका पार्ट वन है। इसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न दिए गए हैं और मैं आपको इनके उत्तर भी बताता चलूँगा। लेकिन मैंने इसमें इस तरीके से सामंजस्य किया है कि आप क्वेश्चन को सिर्फ एक बार में देख पाएंगे और आप कोशिश करेंगे उत्तर देने की। और अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, और इसके उत्तर भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और साथ ही साथ मैं ये आपको बताता चलूँ, जो भी क्वेश्चन किसी जगह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आया हुआ है तो मैंने उसके साथ उसको लिख दिया है, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि ये क्वेश्चन किस जगह पूछा गया था। और यह संभावित भी इसलिए है क्योंकि ये दोबारा से कभी पूछा जा सकता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन आपके देखिए, पूछा गया है जलते हुए बल्ब का तापमान कितना होता है। तो ये आपको बताना है जलते हुए बल्ब का टेम्परेचर कितना होता है। आप अनुमान लगाइए कितना होता है। ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब मैं उत्तर की तरफ चलता हूँ। आप ये देख सकते हैं 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अतिचालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी किस ताप पर आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभकारी होती है। आपको ये क्वेश्चन बताना है, अतिचालकता किस ताप पर आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभकारी होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये क्वेश्चन भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आया हुआ है और ये संभावित भी है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दें। मैं आपको उत्तर बताता चलता हूँ। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है सामान्य ताप पर। जब हम सुपर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा क्या होता है, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हम नॉर्मल टेम्परेचर मान के चलते हैं। जब इस टेम्परेचर की बात की जाती है तो इस टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिकली बहुत हेल्पफुल भी होती है, और ये हमारे कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, यानी कि इसमें पैसे का खर्च बहुत कम आता है, जिससे ये हमारा आर्थिक लाभ पहुँचाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन के सामने तीसरा क्वेश्चन ये रहा, मानव के किस अंग में सुई चुभने पर एहसास नहीं होता, ये आपको बताना है। तो आप इसका उत्तर दीजिए, मानव के किस अंग में सुई चुभने पर एहसास नहीं होता है। तो ये होता है मस्तिष्क, या हम इसे कह सकते हैं माइंड। जो सर में हमारा मस्तिष्क होता है, जिसका औसतन 1350 ग्राम हम लेते हैं वेट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर मस्तिष्क है। क्वेश्चन नंबर 4, फुलरीन कार्बन 60 जिसे हम कहते हैं, यानी फुलरीन जो होता है वो कार्बन 60 होता है, यानी फुलरीन, इसे C60 से शो करते हैं। इसकी खोज किसने की थी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई जगह आया भी है, और ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा 2018 में लिए गए एग्जाम्स असिस्टेंट लोको पायलट में भी पूछा गया था। तो आप ये देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, RF कर्ल और रिचर्ड स्माले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फुलरीन की खोज किसने की, RF कर्ल और रिचर्ड स्माले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, स्तनधारियों में सबसे अधिक रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर किसका होता है। तो आपको ये बताना है, सबसे अधिक रक्तदाब स्तनधारियों में किसका होता है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ये बकरी का होता है, जिसे हम गॉट कहते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये UP SSSC यानी एक उत्तर प्रदेश का आयोग है जो रिक्रूटमेंट करता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, ये झांसी में है, उत्तर प्रदेश के झांसी में पड़ता है। ठीक है, आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप कोशिश करें अपने आप से आंसर देने की, मैंने इसलिए केवल क्वेश्चन आपको एक बार में दिखा रहा हूं, जिससे आप क्वेश्चन को करें
और मन में सोचें कि आपने इसका उत्तर क्या दिया, और अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो सही उत्तर मैं आपको बताता जा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन है, मनुष्य के ताप की खोज किसने तथा कब की, ये आपको बताना है। आप थोड़ा समय ले सकते हैं, सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो मैं बताता चलता हूँ, मनुष्य के ताप की खोज 1861 में की गई थी और ये लॉर्ड रेनॉल्ड ने की थी, ठीक है, 1861 में लॉर्ड रेनॉल्ड ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, कार्बन के कितने परमाणुओं का भार 12 ग्राम होता है, यानी कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स का भार 12 ग्राम्स होता है। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 में एग्जाम्स में पूछा गया है, आपको ये बताना है। तो आप जानते होंगे कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी इसका 6C12 करके लिखते हैं इसको इस तरीके से, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट 12 होता है, और इसके 6.023, मैं सही से लिखता हूँ थोड़ा सा, इसके 6.023 × 10³ एटम्स का वेट जो है वो 12 ग्राम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको स्क्रीन पर आपको उत्तर भी दिखा देता हूँ, ये रहा 6.023 × 10³ एटम्स का जो वेट होता है वो 12 ग्राम्स होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा जीवन व्रत यानी लाइफ साइकिल के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल क्या कहलाता है, ऑन्टोजेनी, ये आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, ऑन्टोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जेनेटिक्स में सुधार क्या कहलाता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उससे हमारे जीन में या डीएनए में चेंज करना या सुधार करना क्या कहलाता है, तो ये आपको बताना है, आप मन में सोचें, ये मैं आपको उत्तर बताता चलता हूँ, इसे यूफेनिक्स बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं उनमें जनरली बहुविकल्पीय टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी SSC और RRB दोनों में आया हुआ है, और पूछा गया है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये मैं आपको बताता चलता हूँ, आप एक बार सोच के इसका आंसर भी दे सकते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आप देख सकते हैं नाइट्रेट्स के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 12, हाल ही में चर्चा में रहा देश लेबनान की राजधानी क्या है। हाल ही में अभी चर्चा में रहा है लेबनान, क्योंकि यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ, 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट फट गया था, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी लोग मारे गए हैं, तो आपको उसकी राजधानी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12, लेबनान की राजधानी क्या है, तो आप उत्तर देख पा रहे होंगे, बेरूत, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये अभी चर्चा में है तो इसलिए किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, CFL का पूरा नाम क्या है। ये CTI एक एग्ज़ाम होता है जिसमें इंस्ट्रक्टर पद के लिए होता है, जिससे आपकी ट्रेनिंग भी कराई जाती है और आप ITI में पढ़ा सकते हैं, इसके लिए होता है। तो आप CFL का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, ये आप देख पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, CFL जो होती है वो पर्यावरण को दूषित करती है जबकि LED नहीं, क्यों। ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ है लेकिन ये नहीं डाल पाया हूँ मैं। तो CFL पर्यावरण को दूषित करती है जबकि LED नहीं, क्यों, आपको इसका जवाब देना है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि CFL जो बनी होती है उसमें अंदर जो वेपर होती है मरकरी की, या HG जिसका सिंबल होता है, तो जो पारा है उसकी वेपर लगी हुई होती है, जिसकी वजह से ये जो है खतरनाक हो जाता है, यानी विषैला हो जाता है, इसकी वजह से ये पर्यावरण को दूषित करता है, जबकि LED में ऐसा कोई कंपोनेंट यूज नहीं किया जाता, इसकी वजह से ये खतरनाक नहीं होती। तो देख सकते हैं आप इसका आंसर।
क्योंकि CFL में मरकरी यूज किया जाता है। मरकरी क्या? पारा, जिसे हम Hg से शो करते हैं ना, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम क्या है? अभी हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में जो विस्फोट हुआ है वो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से ही हुआ है, तो इसका आपको रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र बताना है। एक्चुअल में रासायनिक सूत्र बताना है आपको, ठीक है? तो आप ये NH4NO3 देख सकते हैं, इसको NH4 यानी अमोनियम और नाइट्रेट यानी NO3, ठीक है? इस तरीके से आपको याद रखना है अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर है? मैं आंसर्स को इसलिए छुपाता भी जा रहा हूँ जिससे आप अपनी कोशिश करें, जिससे आप ये बताने की कोशिश करें कि हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, और आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। आपने क्वेश्चन कितने भी सही किए हों, आपको लगता है कम किए हैं, ज़्यादा किए हैं, बहुत अच्छा किया है, तो भी ठीक है, लेकिन आप अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं कि हमने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, और जो नहीं आते हैं आप उनको सीख सकते हैं। तो राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर है? ये जामनगर गुजरात में है, आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पार्थिव दूरदर्शी, यानी इसे टेरेसियल टेलीस्कोप बोलते हैं, जो पार्थिव दूरदर्शी से जो बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होती है, वो कैसी होती है आपको ये बताना है। तो पार्थिव दूरदर्शी से जो बनी इमेज होती है वो आपकी सीधी और आभासी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको उत्तर पर ले चलता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, सीधी तथा आभासी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? जो कृत्रिम मौसम है उसको उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो ये साइटोट्रॉन होता है, इसकी स्पेलिंग साइटोट्रॉन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है साइक्लोट्रॉन, एक होता है साइटोट्रॉन। जो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम साइटोट्रॉन बोलते हैं, और जो साइक्लोट्रॉन होता है जिसे हम ऐसे लिखते हैं साइक्लोट्रॉन, वो किसी भी पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए साइटोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन में, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको ये आंसर दिख पा रहा होगा, साइटोट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, नेचुरल सेलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? ये भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये थ्योरी डार्विन ने दी थी, मैं आपको बता दूं, ये थ्योरी डार्विन ने दी थी, आप इसका आंसर देख सकते हैं, डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम चलते हैं, रात में तथा ठंडे दिनों में ध्वनि दूर तक क्यों सुनाई देती है? क्वेश्चन है, रात में तथा ठंडे दिनों में ध्वनि दूर तक क्यों सुनाई देती है, ये आपको बताना है। जैसा आपने देखा होगा, जब हम रात में चिल्लाते हैं तो दूर तक साउंड जाती है, या किसी की साउंड हमें ज़्यादा जल्दी सुनाई देती है, इस तरीके से क्यों होता है? तो हम ये जानते हैं कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये जो साउंड है वो दूर तक ट्रैवल कर सकती है और तेज़ ट्रैवल कर सकती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? रिफ्रैक्शन, जिसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तन, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है कि भारत में जैव विविधता के कितने क्षेत्र हैं तथा कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है। तो भारत में जैव विविधता के चार क्षेत्र हैं। जैव विविधता का क्या मतलब है? जहाँ पर विषमता सर्वाधिक पाई जाती है, यानी बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे, बहुत सारे प्रकार के पशु पक्षी इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसमें चार हैं जो जैव विविधता के क्षेत्र हैं भारत में, वो चार हैं, यानी कितने हैं? फोर, ठीक है? फोर। अब कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, जिसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड और इंडो वर्मा आते हैं। आप ये देख सकते हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा तथा सुंडालैंड, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? ये चार जैव विविधता के यानी बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र भारत में हैं, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, गोल्डन पंडा अवार्ड तथा ग्लोबल 500 अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं?
जो गोल्डन पांडा अवार्ड है और ग्लोबल 500 अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही अवार्ड पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है, यानी ये दोनों ही अवार्ड पर्यावरण क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये दोनों अवार्ड पर्यावरण में दुर्लभ कार्य करने हेतु दिए जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पर्यावरण संरक्षण में दुर्लभ कार्य हेतु ये अवार्ड दिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, फिटकरी का जलीय विलयन कैसा होता है। अच्छा, आप लोग मुझे ये भी बताएंगे फिटकरी का जलीय विलयन कैसा होता है और फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, फिटकरी का जलीय विलयन होता है एसिडिक जो कि अम्लीय, जिसे हम अम्लीय कहते हैं, तो इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी मैं बताता जाता हूँ। फिटकरी का जो सूत्र होता है वो होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2, ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसे पोटास एलम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के सामने, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया, तो ये आपको बताना है वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जीवित देह के भीतर किसी कोशिका या ऊतक का मरना क्या कहलाता है, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछा गया सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। जीवित देह यानी जो बॉडी है, जो लिविंग है, उसके भीतर किसी सेल या किसी टिश्यू का मरना, डेड होना क्या कहलाता है, तो इसे नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नेक्रोसिस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको इन्हें ज़रूर देखते जाना है, करते जाना है और अपने क्वेश्चंस, अपने आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये छूटा हुआ है या ऐसा लगता है कि आया हुआ है, तो आप उसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, नेक्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ये भी RRB में पूछा गया प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं, विटामिन B3 जो होता है उसकी कमी से बालों का सफ़ेद होना होता है। बाल गिरते भी हैं, लेकिन बाल गिरने के लिए दूसरी विटामिन भी जिम्मेदार हैं, B5, और बालों का सफ़ेद होना मेन B3 की वजह से होता है। तो हम कह सकते हैं विटामिन B3 की कमी से बालों का सफ़ेद होना पाया जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। और ये बहुत बार, बहुत मैंने ये लिखा नहीं है इसलिए क्योंकि ये कई जगह पूछा जा चुका है सवाल, और ये बहुत ही आम क्वेश्चन है, यानी जनरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होते और कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होते। आज ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में रखे हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसा आप देख पा रहे होंगे एंटीबॉडी AB, इसलिए आपको याद रखना है कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होते, तो आपको ये याद रखना है ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, AB, एंटीबॉडी नहीं होते यानी AB में नहीं होते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 28, कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ब्लड ग्रुप O होता है, जो कि सबसे रेयर होता है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सर्वदाता होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है? सर्वदाता होता है, यानी ये यूनिवर्सल डोनर होता है, आपको ये ध्यान रखना है। क्या होता है? ये यूनिवर्सल डोनर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप जो AB होता है वो क्या होता है? सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आप इसका उत्तर देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाए जाते वो ब्लड ग्रुप O होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ये DRDO और RRB दोनों में पूछा गया है। DRDO का साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, पानी में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। पानी में अगर आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है तो आपको ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। क्या? ब्लैक फुट रोग,
ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने उत्तर आ चुका है, ब्लैकफुट रॉक। क्वेश्चन नंबर 30 पर हम चलते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है। अम्ल वर्षा शायद आप समझते होंगे, अम्ल वर्षा में जो रेन होती है उसकी पीएच वैल्यू 5 to 6 वेरी करती है, और अप्रोक्सीमेट एवरेज लिया था 5.5 उसकी पीएच वैल्यू होती है, जिसकी वजह से ये इमारतों को या संगमरमर के पत्थरों से बनी चीज़ों को इनको नुकसान पहुंचाती है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये नॉर्वे में है। नॉर्वे एक देश है, एक कंट्री है, और उसकी राजधानी यानी कैपिटल ओस्लो, उसमें ये स्थित है। आप देख सकते हैं इसका आंसर, ओस्लो नॉर्वे में। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, सबसे अधिक अम्ल वर्षा किस देश में होती है, यानी आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिड रेन किस कंट्री में होती है। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन से इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि सबसे अधिक एसिड रेन भी नॉर्वे में ही होती है, ओस्लो में ही होती है। ये आपको ध्यान रखना, कहाँ होती है, नॉर्वे में, सबसे ज़्यादा एसिड रेन भी नॉर्वे में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। बहुलक बोलते हैं पॉलीमर, यानी जो नेचुरल रबर है वो किसका बहुलक होता है, किसका पॉलीमर होता है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये बहुलक होता है आइसोप्रीन का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का, ये भी आरआरबी में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजाति भारत के किस नेशनल पार्क में है, ये आपको बताना है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल और भी पूछता जाता हूँ यहाँ पर, संकटग्रस्त प्रजाति कौन घोषित करता है। तो इसे IUCN घोषित करती है, मैं बता देता हूँ आपको, IUCN इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है। और ये क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियों की एक डिटेल बुक निकालती है, जिसमें उन प्रजातियों के नेम के साथ साथ उनकी संख्याएं, उनकी काउंटिंग वगैरह भी होती हैं, और संकटग्रस्त प्रजातियों को उस डेटा बुक में गुलाबी रंग से दर्शाया जाता है। तो भारत के किस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजातियाँ, आपको ये बताना है। तो ये मानस नेशनल पार्क जो कि असम में है, उसमें मिलती हैं सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजाति, मानस नेशनल पार्क असम में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पर, फैक्स का पूरा नाम क्या है, ये भी CTI में आया हुआ प्रश्न है, आप इसे देख सकते हैं। फैक्स का पूरा नाम आपको बताना है, तो ये होता है फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स, आप इसे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने इसका उत्तर आ चुका है, फैक्सिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। लास्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने, हार्मोन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ हार्मोन्स इज कॉल्ड, तो इसे हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन्स के अध्ययन को कहते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि ये किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की संभावना रखते हैं। मैं इसी पर्पस से इनको यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है या आपको लगता है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो उन्हें ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी मनोबल बहुत बढ़ता रहता है, और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।